हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, जिपमर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी मेडिकल एग्जाम है। एमबीबीएस के अलावा भी इसमें 14 प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जो सारे ही अच्छे कोर्स हैं। तो जिपमर द्वारा जो कोर्सेज करवाए जाते हैं उन कोर्सेज की फीस बहुत ही कम है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से कोर्सेज हैं, इनकी सीट कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इनके कोर्स की फीस क्या होगी और इनके लिए अप्लाई कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, जिपमर पुडुचेरी द्वारा 3 प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं। सबसे पहले है इसमें बीएससी नर्सिंग, उसके बाद में बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जिसे बीएसएलपी कहा जाता है। ये कोर्स करने के बाद आप अपने नाम से पहले डॉक्टर भी लगा सकते हैं। इसके बाद में तीसरा कोर्स है बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज हैं ये। इसमें टोटल 12 प्रकार के कोर्सेज हैं। ये देख सकते हैं कि कौन कौन से 12 प्रकार के कोर्सेज हैं इसमें, ये दिए हुए हैं नेम इसमें। इसके बाद में हम इन कोर्सेज का ड्यूरेशन देखें तो बीएससी नर्सिंग कोर्स 4 साल का कोर्स है और 1 साल की इंटर्नशिप है इसमें। इसके बाद में बीएसएलपी कोर्स भी 4 साल का है और 1 साल की इंटर्नशिप है। इसके बाद में बीएससी अलाइड हेल्थ कोर्सेज की बात करें तो इसमें टोटल 3 साल के कोर्सेज हैं और 1 साल का इंटर्नशिप है इसमें। इसके बाद में इनकी सीट मैट्रिक्स की बात करें तो बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल 75 सीट हैं, उसमें 8 सीट मेल कैंडिडेट के लिए हैं और 67 सीट्स फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। इसके बाद में बीएसएलपी के लिए 4 सीट हैं और जो बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज हैं उनके लिए 74 सीट रिजर्व हैं इसमें। इसके बाद में ये टोटल देखते हैं तो 153 सीट्स हो जाती हैं सभी कोर्सेज के लिए। इसमें 5% सीट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। अभी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें इसमें तो इसमें इंडियन नेशनल कैंडिडेट होना चाहिए और इसमें एज है वो 70 इयर्स होनी चाहिए। जिस साल आप एग्जाम देते हैं उसी ईयर के 31 दिसंबर को 17 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए इसमें। इसमें मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट में। इसके बाद में हम बात करें कि इसका जो पेपर पैटर्न एग्जाम एंट्रेंस का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहेगा तो इसमें टोटल इंग्लिश मीडियम में ही एग्जाम होगा और इसमें 100 एमसीक्यूज आएंगे, फिजिक्स के 20, केमिस्ट्री के 20, बायोलॉजी के 40, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 और एलक्यूआर के 10। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें। जो क्वेश्चन होंगे वो 11th और 12th बेस के हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 एग्जाम लेवल के क्वेश्चन होंगे इसमें। इसके बाद में इसके एग्जाम सेंटर की बात करें तो इसके टोटल 7 एग्जाम सेंटर हैं जहाँ एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, वो है चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पुडुचेरी, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा। इसमें पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम है। आप पहले फॉर्म भरोगे एग्जाम सेंटर में, अगर सीटें खाली होंगी तो आपको पहले वहाँ मिल जाएंगी। इसके बाद में आप एग्जाम सेंटर चेंज नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। इसके बाद में इसका फीस स्ट्रक्चर देखें हम तो इसमें एडमिशन जो बीएससी नर्सिंग और बीएसएलपी के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो एडमिशन फीस 2500 रुपये है, एकेडमिक फीस 1200 रुपये है, जिपमर स्टूडेंट एसोसिएशन फीस जो पर एनम है वो 1000 रुपये है, लर्निंग रिसोर्सेज फीस 4000 रुपये है। इस प्रकार से टोटल जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए फीस है वो 9160 रुपये है और बीएसएलपी के लिए 8910 रुपये है। इसके बाद में जो बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज हैं उनके लिए टोटल फीस एडमिशन फीस 2500 रुपये है, एकेडमिक फीस 1200 रुपये है, जिपमर स्टूडेंट एसोसिएशन फीस 1000 रुपये, लर्निंग रिसोर्सेज फीस 3000 है। इस प्रकार से 7910 रुपये फीस है इनकी। अभी हम हॉस्टल फीस की बात करें तो हॉस्टल फीस में इस्टेब्लिशमेंट फीस 6000 रुपये है, हॉस्टल कैंप कासन डिपॉजिट में 5000 रुपये है जो साल में एक ही बार ली जाती है और हॉस्टल मैच डिपॉजिट 3000 रुपये है। इस प्रकार से टोटल फर्स्ट ईयर के 14000 रुपीज फीस है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के इसमें हॉस्टल कासन मनी डिपॉजिट है वो लेस हो जाते हैं और 9000 रुपये आपके फीस लगती है
ये पर मंथ फीस है 9,000 रुपये, इसमें मैथ चार्जेज भी शामिल है। अभी हम बात करें कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें, तो इन कोर्सेज के लिए अप्लाई के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल के लास्ट वीक में, एडमिट कार्ड आ जाते हैं इनके जून में, और एग्ज़ाम डेट होती है वो 21 जून 2020 को होगी, रिजल्ट आ जाएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में, और काउंसलिंग फर्स्ट शुरू हो जाएगी जुलाई 2020 को, और सेकंड काउंसलिंग अगस्त 2020 को होगी, थर्ड काउंसलिंग सितंबर 2020 में होगी, और एडमिशन क्लोज हो जाएंगे 31 सितंबर 2020 को। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो जिपमर में एमबीबीएस के अलावा बाकी कोर्सेज करवाए जाते हैं उनके बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।